देखिए, जो मैं चैनल्स पे डिबेट करता हूं उसमें मैं भक्तों को अपना ऑडियंस नहीं मानता। मेरे सामने बैठे कोई नारंगी, खटमल, संबित पात्रा जैसे लोगों को तो मैं फिर भी सीधा करता हूँ। अमूमन ये जो हजारों लाखों की संख्या में ये जो अंधभक्त हैं, इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका पप्पा का नाम का जो पेड़ हिल जाएगा तो ये अपने आप डह जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता दूं अंधभक्तों तुमको, कि तुम लाख बुरा चाहो, मंजूरे खुदा ही होगा। और जितना भी मोदी कर ले प्रोपागेंडा, प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही होगा। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हकीकत ये मान करके चलिए कि 2022 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश असेंबली का आ रहा है, विधानसभा, उसको लेकर के इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी है कि योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को बहुत बड़े 30 मार्खा राजनीति के समझते थे, वो मेरी भाषा में राजनीतिक चूहे निकले हैं और उनको हटाने तक की बात इस समय चल रही है, क्योंकि कोरोना को वो संभाल नहीं पाए और ये मोदी सहन नहीं कर पा रहे हैं कि हजारों सैकड़ों लाशें गंगा में बहती हुई मिली और योगी आदित्यनाथ बहाना देते हैं कि पहले भी ऐसा होता था, किसी को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, दवाई नहीं दे पाए, अस्पताल नहीं दे पाए, और योगी आदित्यनाथ डंडे के जोर पे राजनीति करने निकलते थे। अंत में ये हुआ कि NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो है इस देश की, जो कानून लगा हुआ है पिछले साल मार्च से लेके अब तक, यानी कि चेयरमैन साहब नरेंद्र मोदी की इज्जत का बन गया केसर फालूदा। केसर इसलिए कहा क्योंकि भगवा पहनने का बड़ा शौक है योगी आदित्यनाथ को, तो ये जो केसर फालूदा बना दिया गया है, इसकी बदौलत इस समय योगी को भी हटाने की चर्चा परिचर्चा सब चल रही है और भारतीय जनता पार्टी यूपी से गायब होती और साइकिल चलती हुई दिख रही है। अब इन बातों को संभालने के लिए अंत में ये कोई राज्य जाए चाहे ना जाए, लेकिन मोदी बच जाए, इसलिए ये इस टाइप के ये सर्वे कराए जाते हैं। इनका कोई सर पैर नहीं होता और हकीकत मानिए कि मोदी के जाने का समय आ गया है, बस सोचना बाकी है कि गुजरात वापस लौटा नहीं है। क्योंकि मैं ये बात जरूर रखना चाहूंगा आपके माध्यम से कि शायद कोई राजनेता आप लोगों को ये दोस्तों बात ना बताए, कुरेशी साहब आपको ना बताए, मैं बताने में बेहिचक हूं कि हमारे देश में 90% जनता जो है वो लो IQ है, जिनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन कम है, इसलिए गडरिया जो होता है वो इन बकरियों को और भेड़ों को बहुत आसानी से हाँक लेता है, अगर वो कुछ ऐसी चीज कर दे जो अपीलिंग हो, जो पसंद आए। सवाल ये उठता है कि 12,000 लोगों का एक सर्वे क्या पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है? ये उतना ही हास्यास्पद है जैसा 3 तलाक का मामला, कि पूरे देश के अंदर 1% का भी 1/10 भाग शायद पीड़ित रहा होगा, लेकिन इन्हें हिंदू मुसलमान के नाम पे प्रोपागेंडा करना था। आज अपनी इज्जत बचाने में, जमीर को किसी तरीके से लोगों के सामने साफ सुथरा दिखाने के लिए ये जिस तरीके का झूठा प्रोपागेंडा करते हैं, ये उसी तर्ज पे है। इसलिए मेरा मानना तो ये है, पब्लिक बहुत होशियार है, ये सब उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव और हाल में देश में कोरोना के बदौलत मोदी का खत्म हो रहा राजनीति का पूरा काम, इसको लेकर के ये कोशिशें की जाएंगी। लेकिन याद रहे कुरैशी साहब, हमारे देश की जनता बहुत होशियार है, ये ऐसे पलटती है, ऐसे गायब करती है, ऐसे राजनीतिक पटल से लोगों को हटाती है। उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, शाइनिंग इंडिया 2004 में अटल को यूं गायब किया था, बाद में सिर्फ लोटे में नजर आए थे। यही हाल मोदी और शाह का। पिछले 40 सालों में टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके, इंडियन एक्सप्रेस से लेके, जितने भी बड़े अखबार रहे हैं, चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो इंग्लिश के हों, हमने अमूमन देखा है कि वहां पे डेस्क होते हैं उनके ऑफिसेज में, डेस्क मतलब अफसर होते हैं जो बैठ करके इस तरीके से पेड न्यूज जो होता है वो अलग अलग पेपर के अपने एडिशंस में निकालते हैं, जबकि वो कोई आधिकारिक तौर पे नहीं होता, क्योंकि ये एक फ्रॉड होता है। तो पेड न्यूज कोई नई बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहें या भारतीय जनता पार्टी कहें या इनका जो चक्रव्यूह RSS ने इस समय बनाया 2014 एंड ऑनवर्ड्स सरकार में आने के बाद, इन्होंने बजाय पेड न्यूज के इन्होंने पेड चैनल्स या पेड पत्रकारिता शुरू करा दी। ये थोड़ा सा फर्क है, पहले पेड न्यूज आती थी, आपने 10 लाख रुपए दिए और 2 अखबारों में आपका बहुत अच्छा छप गया,
लेकिन ये करने के बजाय बेहतर तो यही निकला इनके लिए कि इन्होंने चैनल या तो खड़े कर दिए या इन्होंने खरीद लिए और या फिर अपने ही लोगों के पैसे इन्वेस्ट करा दिए। और इसी तरीके से लेखनी के जोर पे, यानी कि जो पत्रकारिता हम प्रिंट में देखते थे यानी न्यूज़पेपर में, उसमें भी इन्होंने पूरे पूरे न्यूज़पेपर ही अपने इन्वेस्टमेंट में खरीद लिए या उन पे दया भावना रखी ताकि उनका सर्कुलेशन बढ़े, उन्हें काम मिले। इस बदौलत पेड न्यूज अब पेड चैनल्स या पेड न्यूज़पेपर में बदल गए हैं और ये बड़ी आम बात है क्योंकि इसी को तो विकास कहते हैं हमारे। बिल्कुल, और सही बात निशांत भाई कि ये कह सकते हैं कि जो पत्रकार थे उन पत्रकारों का तो जो अब नगाड़ा बना दिया गया है कि मोदी जब चाहे जब वो बजा सकते हैं नगाड़ा, ऐसा बना दिया पत्रकारों को उन्होंने। पत्रकार को नगाड़ा बना दिया ये तो मैं पता नहीं कह पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कई पत्रकार ऐसे निकले जिन्होंने रुपए पैसे और शोहरत के लिए अपना जमीर बेच दिया, अपनी जमीन बेच दी, अपनी इज्जत बेच दी, क्योंकि वो भी ये जानते हैं और मैं कईयों को जानता हूं, जैसा पूरा देश जानता है कि मैं इतने सारे चैनल्स पे डिबेट करने जाता हूं इतने सालों से, मैं उन लोगों के साथ बैठता उठता हूं जो अपना जमीर बेच चुके हैं पैसा कमाने के लिए। मैं आज आपके माध्यम से ये भी कह सकता हूं कि अधिकांश चैनल वालों को भारतीय जनता पार्टी पैसा नहीं देती, लेकिन वो अपने एडवर्टाइजमेंट से पैसा बनाते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट कुरैशी साहब किसको मिलता है मीडिया में, जिसका चैनल का काम धंधा या शो या जिस तरीके से पत्रकारिता जो प्रिंट में होती है तो न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन ज्यादा होता है, उसको एडवर्टाइजमेंट जाहिरात का पैसा ज्यादा मिलता है। अब इस काम के लिए आपको एक स्मार्ट जर्नलिस्ट होना चाहिए, आप वो कहानी लिखेंगे जो बिकती है। यही पिक्चर बनाने वाला भी करता है, सीरियल बनाने वाला भी करता है, बिकॉज मीडिया आफ्टर ऑल इज अ शो बिजनेस। तो इन मीडिया हाउसेस ने, चाहे वो रिपब्लिक हो, टाइम्स ना हो, जी न्यूज हो, इंडिया टुडे हो, चाहे इंडिया न्यूज हो, चाहे जितने भी आप नाम ले ले, इंडिया टीवी हो, एबीपी हो, इन्होंने एक बात समझ ली कि नरेंद्र मोदी जो है वो इस समय भारत में एक बहुत बढ़िया बिकाऊ माल है। तो जो बिकाऊ माल बिकता है, धंधादारी व्यापारी वाणिया बनिया उसी को बेचता है, और इन्होंने इस मोदी को बेचना शुरू किया ताकि ये खुद कमा सकें। मान के चलिए कि मोदी को बेचते समय इन्हें दोनों टाइप के ग्राहक मिल जाते हैं, मोदी पसंद और जो मोदी को ना पसंद करे, दोनों टाइप के, अर्थात इनका पैसा बटोरना सॉलिड हो जाता है। इसलिए जो गोदी में जाकर के मोदी के लिए मोदी मीडिया, गोदी मीडिया बैठ गई है, ये दोनों हाथ में अपना हलवा पूरी खा रही है। लेकिन ये बात सही है कि इससे पत्रकारिता खत्म हो चुकी है और मेरे ख्याल से आप जैसे अच्छे पत्रकार आगे चल के इन लोगों को हटा के नयापन ला पाएंगे, इसी चीज की मैं बेसिक आशा। भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में? देखिए, जो मैं चैनल्स पे डिबेट करता हूं उसमें मैं भक्तों को अपना ऑडियंस नहीं मानता। मेरे सामने बैठे कोई नारंगी खटमल, संबित पात्रा जैसे लोगों को तो मैं फिर भी सीधा करता हूं। अमूमन ये जो हजारों लाखों की संख्या में ये जो अंधभक्त हैं, इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इनका पप्पा का नाम का जो पेड़ हिल जाएगा तो ये अपने आप बह जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता दूं अंधभक्तों तुमको कि तुम लाख बुरा चाहो, मंजूरे खुदा ही होगा। और जितना भी मोदी कर ले प्रोपागेंडा, प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही होगा। अच्छा, ये मानते हैं आप इस बात को बिल्कुल कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे? ममता का कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको इसकी एक बेसिक लॉजिक बता दूं, और मैं कई बार चैनल्स पे कह चुका हूं, कई चैनल्स के एंकर इस सवाल को मुझसे पूछ चुके हैं जो आपने पूछा है। देखिए, सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि किसी भी राजनीति के अखाड़े में दो लोग होते हैं, एक सबसे फेमस और एक सेकंड नंबर पे। इस देश में आप जितना मर्जी सर्वे करा ले और जिस किस्म के आंकड़े गलत सलत दिखा ले, लेकिन एक बात तो कुरैशी साहब अपनी जगह स्थिर है कि इस समय फॉर वॉट एवर गुड बैड रीजन, इस देश का सबसे फेमस अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो वो है नरेंद्र मोदी, और जो दूसरा सबसे फेमस है वो है राहुल गांधी। हम
पॉपुलर शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलिस्ट पॉपुलरवादी राजनीति होती है. सो द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया टुडे इज नरेंद्र मोदी, लेकिन द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया टुडे इज राहुल गांधी. तो ये तो इतिहास है इस सिविलाइजेशन का, इस दुनिया का, कि जब पहला हटता है तो दूसरा ही आता है. तो जितना आप लोगों ने, यानी के अंधभक्तों ने, पप्पू गप्पू करते रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन मोदी हटेगा, और मोदी हटेगा, गीता का उपदेश है, परिवर्तन संसार का नियम है. अब वो देखना बाकी है कि 2021 में हम हटा देंगे या 2024 तक ये राग चलता रहेगा, वो देखने की बात है. लेकिन जिस दिन द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हटेगा, स्वाभाविक सी बात है द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया अर्थात राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेगा. इसमें कोई दो मत नहीं. ठीक है निशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया देश राय के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.